सर मैं आपके राम में कलर डालने के लिए माफी चाहता हूँ सर। सर मैं इजाजत चाहता हूँ कि कल सुबह आपके बंगले पर हाजिर हो जाओ। नहीं, बंगले पर हाजिर नहीं, कोई जरूरत नहीं। बताओ कि मैं यहाँ पे क्यों आया। सर आप ही ने तो कहा था। मैंने क्या कहा था? सर मुझे यही खबर मिली थी। क्या खबर मिली थी? सर कि आप यहाँ है। किससे बोल? सर वो इंस्पेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट। इंस्पेक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट, उसको तो हम बाद में देखेंगे। अभी तुम बताओ क्या खबर। सर मैंने शहर में पता लगाया है कि जनता में क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा, तुम शहर का पता लगाने गए। अच्छा बताओ क्या खबर। सर बहुत बुरी खबर है सर। अरे तो ट्रेन और ट्रेन बताओ ना। सर सत्यानाश हो गया। सत्यानाश? अरे सर किया खड़ा है, सब चौपट हो गया। चौपट? अरे सर बना बना है, सब बिगड़ गया। ट्रेन और ट्रेन बलिया बंद बचाओ, सब सब बचाओ। सर आप सुन नहीं पाएंगे। मैं कहता बताओ। सर पहले आप थोड़ी सी बरामद लीजिए, छोटा सा बरामद। सही ना सही? यस सर। नेचर रिमार्क करेगा, रिमार्क कर। क्या हो सकती है? अच्छा करे। शहर के सब लोगों ने मिलकर ये फैसला लिया था कि जिस दिन मॉइस्चर साहब आएंगे उस दिन शहर में हड़ताल होगी। हम सब लड़कियों ने भी यही फैसला लिया था कि हम भी हड़ताल में शामिल होंगी। क्या बोला? लेकिन जब आपने खुद हमें वॉइसेस साहब को खुश करने का काम सौंपा तो हमने अपना इरादा बदल लिया। हड़ताल करेंगे उस दिन कोई बस्ती और मंडिया खुली नहीं रहेगी। बस्ती कीजिए, देखते नहीं लाट साहब की क्या हालत हो गई है। अब जाइए आला अफसरान को खबर दीजिए। जी और कब जाइएगा, कहाँ ना अभी जाइए। बहुत अच्छा, मैं चलूंगा। और क्या कीजिएगा, कहाँ ना अभी जाइए। आपकी खबर, उसकी आप चिंता ना करें। आखिर हम किस मर्ज की दवा है। सर खा के रख दिया, धान साहब उठेंगे तो आपको देखकर फिर इनका दिल कूच कर जाएगा। बस इतनी सी बात और कह दूं, फिर चलो ना जाना चली जा। आपको कौन पूछ सकता है। वो चले गए सरकार, अब आप कुछ आराम कर लीजिए। चमेली जान, तुम हमसे प्रॉमिस करो कोई करे या ना करे, लेकिन तुम हड़ताल नहीं करेगा। हम आपको जबान देते हैं हुजूर। जबान? जबान कब किया? अभी जो हमने विश्वास कीजिए ना। अच्छा तो हमको भी इत्मीनान हो गया है, हम भी तुम्हारे यहाँ पे रोज आएगा, हम भी तुमको जबान देता है। ओके बाय बाय डार्लिंग। वो है चतुर है, चालाक है, धर्म धर्म से रहता है। अगर वो हाथ आ जाए तो
पंडित मोटराम शास्त्री को जाके कह दो कि हम उन्हें बुला रहे हैं फौरन। यस सर। चलिए। मालूम होता है जरूर कुछ बड़ा अनुष्ठान होगा। मैं जरा कपड़े पहन आता हूँ।
अरे सुनती हो, मेरे को खास मौके वाले कपड़े तो निकाल लो। वो अभी निकाल देती हूँ, पहले बैठ कर भोजन तक कर लो, पता नहीं कब लौटने का अवसर मिले। अरे मुझे तो तुम्हारी मुझे में तरस आता है कभी कभी। अरे यहाँ पे लाट साहब का बुलावा है और तुम्हें भोजन की पड़ी है, कमाल करती हो। मेरा क्या है जब भोजन के समय पेट में चूहे उछलने शुरू करेंगे ना, तब पता चलेगा। अरे मौत लाट क्यों क्या गाँव जी समझ रखे। अरे इस समय बुलाया है तो भोजन का इंतजाम तो जरूर किया होगा। और पूजा जरूरी छूट गई। अरे चूहे में गई तो बाल में गई तेरी पूजा। चलो रुके बटे, लाट साहब का बुलावा है और तुझे अपनी दो पल्ली की पड़ी है। अरे मुझे लाट साहब के वहां से लौट आने दे, फिर ले लियो अपने दो रुपल्ली जी चुट्टा कहीं का। अरे लाट का मतलब समझता है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आप भी कुछ बचा दीजिए।